The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो बातचीत करते हैं आज कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या होती है, हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि आपके शरीर में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, जो हड्डियों में भरा हुआ कैल्शियम है वो भैया कम हो गया है। इसको मान के चलिए कि ये आपके जेब में पैसे के बराबर है, जेब में पैसा कम हो गया है और जो हड्डियों में भरा हुआ कैल्शियम है वो बैंक का बैलेंस है। सो यहाँ बातचीत हो रही है कि भाई भगवान ने तो खजाने भरपूर रख के भेजे थे कि खाना पीना खाओ, बचपन में दूध दूध पी के बैंक बैलेंस भरा हुआ आपके हड्डियों का, और फिर आपके जो कैल्शियम है खून में आता है ना, जेब में जो पैसा आता है वो कम हो गया। तो ऐसा कैसा हो गया, कैल्शियम क्यों कम हो गया, उसका कारण क्या है? एक कैल्शियम एक ज़रूरी मिनरल जो आपके शरीर के हड्डियों के ताकत के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके मांसपेशी के लिए, आपके पूरे बॉडी के लिए, एक एक सेल को ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए। अगर आपको नहीं होगा, कैल्शियम कम होगा तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हड्डियां घसने लगेंगी, आपके जोड़े जोड़ खराब होने लगेंगे, बहुत सारे हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स आने लगे, बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। उसके इनिशियल क्या लक्षण आते हैं, उसके टेस्ट क्या होते हैं, उसका इलाज क्या होता है, आज सारी बातें कवर करेंगे आपके लिए। सबसे पहला सवाल कि किसको होगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी का रिस्क है। तो आपको कैसे पता कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है कि नहीं है? हाउ डू यू नो दैट? आपके केस में अगर कहीं पुअर इंटेक है, कैल्शियम इंटेक ही कम है लंबे समय में, याद रखिए एक दो दिन के से ऐसा नहीं हो जाता है, लंबे समय कैल्शियम इंटेक कम है, यानी दूध नहीं पीते, सोयाबीन नहीं खाते, कैल्शियम रिच कुछ नहीं है, दूध दही पनीर लस्सी कुछ नहीं है डाइट में, सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? या फिर अगर कोई ऐसी आपकी दवा है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक रही है, कुछ दवाएं होती हैं अनफॉर्चुनेटली, अभी ये एग्जैक्टली दवा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी दवा हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं उसके बारे में। डाइटरी इंटॉलरेंस है अगर आपको किसी कैल्शियम रिच फूड से, जैसे कि दूध से इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फिर कई बार इसका जेनेटिक रीज़न भी होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी होने का, और हार्मोनल रीज़न भी होता है फीमेल्स में जिसके वजह से होता है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि आपका हर उम्र में कैल्शियम का इंटेक, कैल्शियम सही मात्रा में खाएं, आपके शरीर में यानी कमाई होती रहनी चाहिए, बैंक बैलेंस हड्डियों में है, खून में आपके जेब में पैसा है, लेकिन कमाई तो होनी चाहिए ना, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर बंदा कमाएगा नहीं तो आज नहीं तो कल फुक्कड़ तो हो ही जाएगा, सो कमाई जरूर होनी चाहिए कैल्शियम की, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो व्हाट आर द लक्षण अगर आपके शरीर में, समझ रहे, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो क्या लक्षण आएंगे? देखिए, समझिए, माइल्ड कैल्शियम की कमी में तो कोई लक्षण नहीं आएंगे, हड्डी में हाथ डालेगी बॉडी, हड्डी से निकाल देगी कैल्शियम, सही, यानी बैंक बैलेंस से आपका कैल्शियम निकाल लिया गया, जेब में आ गया पैसा। लेकिन अगर बहुत कमी हो गई, बैंक बैलेंस कम हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, तो शरीर और नहीं निकालेगा और आपको सिग्नल देगा कि कैल्शियम कम है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? मसल स्पाजम, मसल स्प्रेन, ये सबसे कॉमन कारण है कैल्शियम डेफिशिएंसी आज के डेट में, कैल्शियम की कमी की वजह से मसल स्प्रेन, मसल स्पाजम, मसल्स में हाथ पैरों में दर्द या नमनेस, या फिर किसी प्रकार के वीकनेस आपके हड्डियों में, बोन्स में, है ना, नेल्स में, नाखून में, बाल में, एनी काइंड ऑफ दी, नाखून, खासकर नाखून और दांत का वीकनेस, हड्डियां आराम से टूट जाना, इवन ब्रेन में कन्फ्यूजन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी होती है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। याद रखिए, विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, दोनों साथ में चलते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन हो सकता है, आपको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। तो ये है सबसे पहला जो लक्षण होता है, मसल क्रैम्प्स एंड मसल स्पाजम्स ये होंगे, याद रखिए।
मसल स्पाजम जो स्पाजम होके रिलैक्स हो गया, क्रैम्प जो नहीं हो रहा उसको रिलैक्स करना पड़ रहा है. सो दोज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो हर एक शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी आपके अफेक्ट करेगी. पूरी बॉडी में वीक नेल, वीक हेयर, वीक स्किन, वीक ये सब चलेगा. फ्रेजाइल थिक थिन स्किन हो जाएगी, पतली सी फ्रेजाइल स्किन हो जाएगी. और न्यूरोट्रांसमीटर होता है कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. इसीलिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी के वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शंस में दिक्कतें आएंगी. इवन बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो दौरा भी पड़ सकता है कैल्शियम डेफिशिएंसी से. यानी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो दौरा भी पड़ सकता है. अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होने लगे, मसल में मेमोरी लॉस, नमनेस, टिंगलिंग, हेलुनेशन, सीजर, मतलब भी कैल्शियम बहुत ही अति मात्रा में कम हो गया. ये कैल्शियम की कमी के वजह से होने वाले लक्षण है. सो व्हाट अबाउट डायग्नोसिस, कैल्शियम की कमी को डायग्नोस कैसे करते हैं? उसके लिए आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री कि भाई दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ लेते हो, सोयाबीन खाते हो, कुछ कैल्शियम का सोर्स है, गोली खाते हो, नहीं खाते, विटामिन डी का कोई सोर्स है बॉडी में, धूप में जाते हो, नहीं जाते हो, विटामिन डी की गोली लेते हो, नहीं लेते हो, लास्ट में कभी टेस्ट कराया, नहीं कराया, बताओ. सो आप ये सब नहीं बताओगे डॉक्टर को तो पता कैसे चलेगा? उसके बाद अल्टीमेटली आपके टेस्ट किए जाते हैं. ब्लड सैंपल में आपके ब्लड कैल्शियम यानी सीरम कैल्शियम लेवल्स चेक कर सकते हैं, साथ में विटामिन डी लेवल्स चेक कर सकते हैं, उसके साथ आप चाहिए तो टोटल कैल्शियम या फ्री कैल्शियम लेवल्स चेक कर सकते हैं, आपका अल्ब्यूमिन लेवल्स चेक करते हैं. अल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन दैट बाइंड्स टू कैल्शियम एंड ट्रांसपोर्ट्स इट थ्रू द ब्लड. तो अल्ब्यूमिन कैल्शियम ब्लड में घूमता है, तो अल्ब्यूमिन लेवल चेक कर सकते हैं. एंड अगर बहुत ज़्यादा लो कैल्शियम है आपका सस्टेन, तो दैट मीन्स यू हैव कैल्शियम डेफिशिएंसी. नॉर्मल लेवल्स कैल्शियम के 8.8 से लेके 10.4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर हो सकते हैं, और ये आपके लैब टू लैब वेरी कर सकते हैं. आपकी लैब की वैल्यू देखनी होगी कि उसकी कितनी है नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से. आपका अगर 8.8 से कम है That means you are deficient. याद रखिए यहाँ एक रुपया भी कम होना नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके बैंक में बहुत पैसा होता है. सो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की जो कैल्शियम के लेवल्स है ब्लड वाले वो एडल्ट से बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं. तो बच्चों के लिए एज डिफरेंस अलग होता है. बच्चों में खासकर अगर बहुत छोटा बच्चा है, न्यूनेटल हाइपोक्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, छोटे बच्चे में, एकदम छोटे बच्चे में अगर पैदा होने के बाद कैल्शियम की कमी हो जाए तो दैट इज़ वेरी बैड. उस केस में फिर बहुत दिक्कतें होने लगती है. सो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे. उसके कारण भी होते हैं जिटरीनेस, पुअर फीडिंग, उसके सिम्टम्स होते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, सांस फूल सकता है, सांस लेना, धड़कन बढ़ सकती है. तो बच्चों में इतना कुछ हो सकता है तो बड़ों में भी तो कुछ ना कुछ होगा, याद रखिएगा. सो इसको ट्रीट कैसे करेंगे? अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज कैल्शियम रिप्लेसमेंट. आपको कैल्शियम देना पड़ेगा. अगर आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपके डाइट में आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा. आप कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों की अगर ज़रूरत है, ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट नॉर्मली हम नहीं इनकरेज करते कि खुद को नहीं पता होता कितना है, इसलिए डॉक्टर से बात जरूर करिएगा. क्योंकि ज़्यादा डोज ले लेंगे, ज़्यादा हैवी ले लेंगे तो किडनी स्टोन्स होने के रिस्क हो सकते हैं. हम बता दे रहे हैं कितना लेना है, लेकिन डॉक्टर से अपने बात करिए, अपना टेस्ट कराइए, फिर जाके दवाई लीजिएगा. सो मेन टेस्ट आपका, मेन आपका जो दवा है कैल्शियम के लिए वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट या कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम कार्बोनेट जो बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है और उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंटल कैल्शियम होता है, और कैल्शियम सिट्रेट जो सबसे इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और कैल्शियम फॉस्फेट जो कि वो भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन इट डज नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन. सो अगर आपको कैल्शियम की गोली से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप कैल्शियम फॉस्फेट ले सकते हैं. कैल्शियम फॉस्फेट का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, उस ब्रांड की दवा के कम दवा के अंदर लिखा होगा कैल्शियम सिट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट विल कॉज लेस कॉन्स्टिपेशन, और ना कैल्शियम के वजह से गैस या कॉन्स्टिपेशन होने के रिस्क होते हैं. ऐसे में आप कैल्शियम की कैप्सूल ट्राई कर सकते हो अगर टैबलेट से प्रॉब्लम हो रही है. कैल्शियम सप्लीमेंट लिक्विड टैबलेट या च्यूएबल फॉर्म में भी आता है. इसके अलावा आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एब्जॉर्ब हो. विटामिन डी के लेवल अपने ज़रूर चेक कराइएगा उसको लेने से पहले, और धूप में जाना शुरू करिए हफ्ते में कम से कम 3 दिन आधे घंटे के लिए, और मैक्सिमम एरियाज अपना एक्सपोज रखना है. और कैल्शियम लेना कब बंद करना है? कैल्शियम लेना बंद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि कैल्शियम जो है कि कुछ दवाइयाँ आपके जो मैंने बताया था
कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकती है. तो ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कर सकती है, थोड़े बहुत समझ लेते हैं. पहली दवा है बीटा ब्लॉकर, जैसे एटेनोलॉल. बीटा ब्लॉकर हार्ट की दवा, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है अगर वो कैल्शियम की दवा के 2 घंटे आगे पीछे ले लिया. तो बीटा ब्लॉकर सुबह लीजिए, कैल्शियम दोपहर में या रात में लीजिए, तो आराम से हो जाएगा. ठीक. दूसरा एंटासिड, जैसे कोई एल्यूमिनियम बेस्ड सिरप है, वो भी आपका कम कर देगा आपके ब्लड लेवल्स ऑफ, क्यों कैल्शियम में कमी कर सकता है. एल्यूमिनियम आता है सिरप में, जो आप डाइजिंग वाइजिंग जैसे उसमें देखना किसी में किसी होगा. कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, जैसे जैसे कि कोलेस्टिपॉल नाम की दवा है, वो भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम करता है, जो लिया जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए. ईस्ट्रोजन मेडिकेशन जो है वो कैल्शियम लेवल बढ़ा सकती है. ईस्ट्रोजन की अगर दवा ले रहे हैं फीमेल्स. और हार्ट की एक दवा है डिगॉक्सिन. डिगॉक्सिन अगर साथ में कैल्शियम चल रहा है, कैल्शियम हाई है और डिगॉक्सिन चल रहा है, तो कैल्शियम डिगॉक्सिन का लेवल बढ़ा सकता है, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कर सकता है. तो ये दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. और डायूरेटिक नामक एक दवा होती है जो पेशाब ज़्यादा करने के लिए, फ्यूरोसमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइडाइड, ज़्यादातर टेल्मा एच के साथ, बीपी के लिए भी हाइड्रोक्लोरोथाइडाइड दी हो सकती है. अब इसमें इसमें दोनों ऑप्शन है. डायबिटीज जो ये जो हाइड्रोक्लोरोथाइडाइड है कैल्शियम लेवल बढ़ा सकता है, और जो फ्लूरोसमाइड है वो कैल्शियम लेवल कम कर सकता है. तो ये दोनों पता होना चाहिए क्या हिसाब है. और कुछ एंटीबायोटिक है, फ्लूरोक्विनोल, टेट्रासाइक्लिन्स, जो के कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करती है. तो एंटीबायोटिक भी कम करती है, तो उसको भी कोशिश करिए कैल्शियम से अलग लें, बीपी की दवाओं को अलग लें. और अपना बाकी सारी चीज़ें के लिए हमने बता दिया आपको क्या क्या हिसाब है. तो ये हुआ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी. ओके, प्लीज शेयर दिस. और इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ही ज़्यादा अति भी हो गया तो कैल्शियम आपको जान नहीं लेगा, डोंट वरी. हाई से हाई कैल्शियम भी होगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जान नहीं लेगा. प्रॉब्लम ज़रूर है, दौरा पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो भी, और ज़्यादा हो गया तो भी. सो डोंट वरी. हाइपर कैल्शियमिया वैसे तो बहुत रेयर है, ओरल से तो नहीं होगा, लेकिन अन मतलब अगर बिना किसी के डॉक्टर की जानकारी के थोड़ा दौड़ा दौड़ी दवाई खाते जाओगे तब प्रॉब्लम. सो डॉक्टर की निगरानी में दवाइयाँ खाओ, मल्टीविटामिन चाहे क्यों ना हो, वो ज़्यादा अच्छा है. थैंक यू सो मच, एंड इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, इंपॉर्टेंट है. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.